सुप्रीम कोर्ट में महकमा आबादी पंजाब मुलाजिम नजरसानी केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए हैं कि अदालती फैसलों की मिसालों ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। इसी हवाले से मजीद बात कर लेते हैं कमर मैकन से। जी कमर मैकन, समाअत के दौरान मजीद क्या रिमार्क्स देखने में आए हैं? जी बिल्कुल, आज केस था महकमा आबादी पंजाब नजरसानी केस, उसके अंदर चीफ जस्टिस ने बड़े अहम तरीन रिमार्क्स जो है वो दिए हैं। चीफ जस्टिस ने कहा कि अदालती फैसलों की मिसालों ने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है, अदलिया कभी मार्शल लॉ की तौसीक कर देती है, क्या जजेस आइन के पाबंद नहीं, जजेस की इतनी फराख दिली गैर आइनी इकदाम की तौसीक कर दी जाती है। पाकिस्तान में यही हो रहा है कि एक के बाद दूसरा मार्शल लॉ आ जाता है, गैर आइनी इकदाम की तौसीक का इख्तियार जजेस के पास कहाँ से आता है? अदालती फैसला का हवाला वहाँ आए जहाँ आइन और कानून का इबहाम हो, जहाँ आइन और कानून का इबहाम ना हो वहाँ पर अदालती फैसलों की जरूरत नहीं। अदालती फैसला आइन और कानून से बालातर नहीं हो सकता। लगता है वक्त आ गया है कि जजेस की क्लासेस कराई जाएं। क्या जज बनने के बाद आइन और कानून के तकाजे खत्म हो जाते हैं? चीफ जस्टिस काजी फाइजा ने कहा है कि लगता है कि वक्त आ गया है कि जजेस की क्लासेस कराई जाए। कमर मैकन अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया।